जाने जिन चरागों से नफरत के धुएं उठते हैं, उन चरागों को बुझा दो तो उजाला हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेंस मेकर्स फार्मूला। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। लेंस मेकर फार्मूला या कहा गया है फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ। तो यहां पे विद्यार्थी एक थिन लेंस है जिसका फर्स्ट कर्व सरफेस ए माना गया है और सेकंड कर्व सरफेस बी माना गया है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है और जो बाहर है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम ले रहे हैं। एक चीज यहां ध्यान देना है, म्यू एल का मान म्यू एम से ज्यादा होना चाहिए। यस, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लेते हैं तो यहां से रे चलती है, ये कर्व सरफेस ए पर पहुंचती है। अब यहां से मीडियम चेंज हो रहा है तो जाहिर एक नॉर्मल की आवश्यकता होगी, तो ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मिलेगा कहीं, तो यहां से एक नॉर्मल खींचेंगे हम, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इस रे को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बनाता है, तो जो रे बेंड होने वाला केस होता है स्मॉल एंगल के साथ होता है। यस, तो जब रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती, ये रे सीधे ना जाके नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है और आई डैश पर इमेज बना लेती है। लेकिन आई डैश पर इमेज तब बनता विद्यार्थी जब ये सेकेंड कर्व सरफेस भी ना होता। अगर सेकेंड कर्व सरफेस भी ना होता तो आई डैश ही हमारा इमेज फाइनल हो जाता, लेकिन सेकेंड कर्व सरफेस होने की वजह से आई डैश जो है हमारा फाइनल इमेज नहीं है। अब यहां देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। तो इस कंसेप्ट का विद्यार्थी यहां पे उपयोग करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये आई डैश जो इमेज है फर्स्ट सरफेस के लिए, वही आई डैश इमेज सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। यस, तो जिसका इमेज आई पर बनता है, ध्यान दें। अब आई पर कैसे बनता है ये देखना चाहते हैं तो इसका देखिए, बी वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू यहां मिलेगा। अब की बार यहां से नॉर्मल खींचेंगे, यहां पर देखिए ये नॉर्मल जाएगा, भीड़ ना हो इसीलिए मैंने पहले नहीं बनाया, ये चीज यहां पे ध्यान दें। तो ये अब देखिए, ये रे यहां जा रही, अगर सीधे जाती और नॉर्मल के बीच देखिए स्मॉल एंगल ये मिल रहा है तो यहां पर इसका डेविएशन होगा। अब की बार रे जो है डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटती, ये नॉर्मल हो जाएगा और इससे दूर हटेगी। जब नॉर्मल से दूर हटेगी तो ये सीधे ना जाके अंदर की ओर बेंड हो जाएगी, इधर की ओर आ जाएगी। नॉर्मल से दूर हटना मतलब इधर, नॉर्मल से दूर नहीं हटती तो सीधे जाती, नॉर्मल दूर हट गई तो ये यहां पे आ गया, आई पर इमेज बना लिया। अब यहां पे देखा था विद्यार्थी ध्यान दें, आर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस यू है, आई डैश की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस वी डैश ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल इमेज नहीं है। यस, और फाइनल इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस वी ले रहे हैं। यस, ए वाले कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, ये ए वाले का आर वन इस साइड मिलेगा और बी वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मिलेगा, तो ये जो है आर टू है। ध्यान यहां देखें, सो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, जो रिफ्रैक्शन फार्मूला है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ध्यान दें, म्यू वन विद्यार्थी वो है जहां से रे जा रही है, वो म्यू वन होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू वो है जिसमें रे जा रही है। तो अब इस आधार पर विद्यार्थी फॉर फर्स्ट सरफेस ए, फर्स्ट सरफेस ए के लिए ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहां पे म्यू टू कौन है, म्यू टू आपका ये म्यू एल हो जाएगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू एल अपॉन वी डैश, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है, कर्व सरफेस बी की अनुपस्थिति में, तो आई डैश पर बनता है। तो म्यू एल अपॉन वी डैश ले लिया जाएगा, ये डिस्टेंस, माइनस रे कहां से आ रही है, मीडियम से, तो इसका म्यू एम अपॉन यू हो गया, इज इक्वल टू म्यू टू के स्थान पर म्यू एल प्रयोग किया जाएगा जिसमें लाइट जा रही है, म्यू वन के स्थान पर म्यू एम प्रयोग किया जाएगा जहां से लाइट आ रही है, अपॉन एक कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वन, यहां से ये चीज आर वन है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहां पर यह कांसेप्ट दोबारा देख लें, इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। ये जो फर्स्ट सरफेस का इमेज है सेकेंड सरफेस के लिए यही ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो फॉर सेकेंड सरफेस बी, यही फार्मूला इसके लिए अप्लाई कीजिए। तो यहां पे विद्यार्थी ये है, अब की बार म्यू वन के स्थान पर म्यू एल प्रयोग किया जाएगा और म्यू टू के स्थान पर म्यू एम प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अब की बार रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, लेंस से मीडियम में जा रहा है। तो यहां पे हो जाएगा म्यू टू का स्थान लिखेंगे म्यू एम अपॉन वी, वी मतलब जहां इमेज बनता है, तो अब की बार इमेज ये है, माइनस म्यू एल अपॉन वी डैश, वी डैश मतलब ये ऑब्जेक्ट वाला है, यही आई डैश ही तो हमारा ऑब्जेक्ट है सेकेंड सरफेस के लिए, तो ये प्रयोग किया गया, इज इक्वल टू म्यू टू, तो अब की बार म्यू एम हो जाएगा, जिसमें रे जा रही है वो म्यू टू होता है, तो म्यू एम यहां प्रयोग किया जाएगा, जहां से रे आ रही है वो म्यू वन होता है, तो यहां पे अब की बार म्यू एल है। सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अब की बार आर टू है विद्यार्थी, ये हो गया। तो फर्स्ट वाले में हम देखते हैं इसमें पहले म्यू एल आया है तब म्यू एम आया है, और इसमें उल्टा हो रहा है, तो हम नेगेटिव साइन कॉमन लेके ऊपर वाले जैसा बना ले रहे हैं। तो अब यहां देखिए यही चीज यहां लिखा है, म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एल अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, इसमें निगेटिव केवल कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ताकि सिमिलर आ जाए, माइनस कॉमन ले लिए तो इन ब्रेकेट आया म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर टू, ये इक्वेशन दो नाम दे दिए। अब देखिए एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को क्या है ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं म्यू एल अपॉन वी डैश यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे म्यू एल अपॉन वी डैश निगेटिव है, ऐड करेंगे तो कट जाएगा, जो बच जाता उसे लिख लेते हैं, बच रहा है कौन, ये पॉजिटिव में बच रहा है म्यू एम अपॉन वी, और यहां नेगेटिव में बच रहा है म्यू एम अपॉन यू बच रहा है, यस। अब ऐड करना है, जब ऐड करना है विद्यार्थी तो जो चीज कॉमन है उसे हम बाहर ले सकते हैं, तो बाहर ले लिए म्यू एल माइनस म्यू एम हम बाहर ले लिए, इन ब्रेकेट जो हमारा बच रहा है यहां से वन अपॉन आर वन और यहां से माइनस वन अपॉन आर टू, ये लिख लिए। अब यहां देखिए म्यू यम कॉमन है तो म्यू यम से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो इधर बचेगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये म्यू एल अपॉन म्यू यम ये तो रह जाएगा, लेकिन ये म्यू यम अपॉन म्यू यम एक हो जाएगा, इन ब्रेकेट वहां बच रहा है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिए। यहां पर एक कंसेप्ट है विद्यार्थी, नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। विद्यार्थी अगर हम मान लें कि ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर है तो ऐसी दशा में इमेज फोकस पर बनेगा, जिसे सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ध्यान दें। तो
तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट इधर, और इसका इमेज जो है फोकस पर बनेगा तो वी इक्वल टू हो जाएगा एफ। तो ये चीज यहां पे हम यूज करते हैं, तो वन अपॉन वी के स्थान पर यह प्रयोग करेंगे और यू का स्थान पे माइनस इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट वो जीरो हो जाएगा, तो हम लिखे नहीं है। तो सो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू बाकी सेम म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन इन ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इक्वेशन फोर हो गया विद्यार्थी, दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला। विद्यार्थी यही हमारा लेंस मेकर फार्मूला है, ये चीज आप ध्यान दें, ये चीज हमारा लेंस मेकर फार्मूला बहुत जरूरी है, इसकी सहायता से न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिए बाई इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो ये थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, इनका हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड इक्वल है, तो जाहिर है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर लेना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करते हैं तो वन अपॉन एफ इक्वल टू आ रहा है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला। इसे विद्यार्थी लेंस फार्मूला कहा जाता है और इसे लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है। यस हाँ विद्यार्थी, यहां से कुछ और कांसेप्ट बन सकता है, अगर आपका ये मीडियम म्यू यम एयर हो, एयर होगा तो कोई बात नहीं, म्यू यम के स्थान पे हम लोग लिख देंगे वन, तो यहां पे लेंस मेकर फार्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू आ जाएगा म्यू यल माइनस वन इन ब्रेकेट, अगले ब्रेकेट में रहेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये चीज हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी अगर उल्टा हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि म्यू यम का मान म्यू यल से ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में लेंस का नेचर बदल जाएगा, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव लेंस की भांति बिहेवियर करने लगेगा, ध्यान दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है, आगे फिर इस पर और भी डिस्कशन होगा। और इस फार्मूले में जितने वैल्यू हैं यू वी एफ एंड आर, ये हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय विद साइन प्रयोग करेंगे। यस तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो और कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला कंसेप्ट देखा जाए मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कहा जाए या लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाए, दोनों एक ही बात है, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज ये है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ के लिए हम यहां फिगर बना चुके हैं, तो ये थिन लेंस है, यहां से यू डिस्टेंस पर एक जो है ऑब्जेक्ट ए बी है। यस ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहां बनेगा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं जो फोकस से होकर जाएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं जो बिना डेविएशन के आगे निकल जाएगी, ये दोनों जहां मीट करते हैं वहां इमेज बन जाता है। यस तो इसके प्रूफ के लिए हम देखते हैं इन सिमिलर ट्रेंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ में, हम यहां देख लेते हैं, तो ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ले लिए इज इक्वल टू ओबी डैश अपॉन ओबी ले लिए हम यहां पे। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज, तो ये तो निगेटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पड़ रहा है, तो ये माइनस एच आई लेंगे, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऊपर पड़ रहा है तो ये प्लस होता है, एच ओ हो गया, इज इक्वल टू वी ओबी डैश, ओबी डैश जो इमेज का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव लिया जाता है, और ओबी ये यू डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन मेजर करते हैं, तो ये नेगेटिव लिया जाता है, तो इसमें भी नेगेटिव आया, इसमें भी नेगेटिव आया, तो ये यहां पे कैंसिल हो रहा है। यस तो यम इज इक्वल टू आया हमारा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो हो सकता है मैग्निफिकेशन आपका इतने से ही हो जाए, हो सकता है इससे इससे हो जाए, तो
तो ये वैल्यू हम लोग विद साइन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय रखेंगे। अदर फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ये भी देख लीजिए, डेरिवेशन के साथ डायरेक्ट किताबों में फार्मूला लिखा रहता है। तो लेंस फार्मूला इज 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है, अभी हम लोगों ने देखा है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई V, इसी में दोनों तरफ V से प्रोडक्ट कर देते हैं तो V/V 1 आ जाएगा, V/U यहां हो जाएगा, ये V/F हो जाएगा। तो V/U को उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इस तरफ ले आएंगे निगेटिव हो जाएगा, तो V/U इज इक्वल टू आया 1 - V/F, इतना आया। आप चाहे तो यहीं पर इसको लिख लें तो F - V/F, ये चीज यहां भी लिख सकते हैं। अब M = V/U आया है, या इसे हम बराबर कर लेंगे F - V/F। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये भी उपयोगी है, हो सकता है केवल आपको फोकस पता हो और इमेज का डिस्टेंस पता हो ऑप्टिकल सेंटर से, तो M = F - V/F का प्रयोग करके हम लोग तुरंत आंसर निकाल लेंगे। आगे लिखा है सिमिलरली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय यू वी है, मतलब इसी में अगर दोनों तरफ यू से प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो U/V हो जाएगा, U/U 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा U/F। यस, तो अब यहां पे देखा जाए तो U/V यही रहने देते हैं, 1 को उस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 1 + U/F, तो यहां पे F LCM हो जाएगा तो F + U/F आ जाएगा। तो हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला जानते हैं, M = V/U चाहिए तो ये पलट देते हैं हम लोग, पलट देते हैं तो M = V/U, तो इधर भी पलट जाएगा F + U। तो हो सकता है मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करना है, आपको फोकस पता रहे और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता रहे तो इसकी सहायता से आपका मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। या टोटल कॉन्सेप्ट को यहां पे कंबाइन करके आपके लिए लिखे हैं M = SI/HO इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू F - V/F इज इक्वल टू F/F + U। तो मैग्निफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन विद्यार्थी यहां से गलत नहीं होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज इतना ही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर आने वाले कल में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।